हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ कि अपनी वॉइस एडिट कैसे कर सकते हो। और अगर आप भी यूट्यूब वीडियोस बनाते हो तो आपको वॉइस एडिटिंग आनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको वॉइस एडिटिंग नहीं आएगी तब तक आपकी वीडियो कोई लास्ट तक नहीं रुकेगा, क्योंकि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी जब उसमें बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि अपनी वॉइस को एडिट कैसे कर सकते हो। और अगर मैं आपको सही बताऊँ तो मैं ये नहीं बताऊँगा आप वॉइस एडिट कैसे कर सकते हो, मैं आपको वॉइस एडिट करके देने वाला हूँ। यस, एंड मैं कोई भी मजाक नहीं कर रहा, मैं वही रियल वीडियो। तो अब लास्ट तक देखो, आपको भी पता पड़ जाएगा। तो भाई देखो, ज़्यादा मैं बातें नहीं कर रहा, मैं आपको सीधा सुनाने वाला हूँ पहले बिफोर एंड आफ्टर। तो पहले तुम ये सुनकर आओ, फिर हम बात करते हैं। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपनी वॉइस एडिट कैसे कर सकते हो। और अगर आप भी यूट्यूब वीडियोस बनाते हो तो आपको वॉइस एडिटिंग आनी चाहिए। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपनी वॉइस एडिट कैसे कर सकते हो। और अगर आप भी यूट्यूब वीडियोस बनाते हो तो आपको वॉइस एडिटिंग आनी चाहिए। तो अभी आपने ये वॉइस सुनी, पहले मैंने बिफोर सुनाई, फिर मैंने आफ्टर सुनाई। ये वाली वॉइस मैंने रिकॉर्ड की थी बहुत सारी नॉइज़ में, जिससे आप देख सकते हैं कितनी सारी उसने नॉइज ख़त्म कर दी है। एंड मैंने बहुत ज़्यादा नॉइज़ में की थी, इसीलिए ऐसी हो रही है। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल जगह पे मतलब रिकॉर्ड करता है इस वॉइस को, यहाँ पे मतलब ज़्यादा कोई बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं थी, वही बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। लिटरली बहुत अच्छा ये मतलब सॉफ्टवेयर है। तो आपको भी इसे एडिट करनी है तो इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आपको अपना सीधा क्रोम को ओपन कर लेना है। जैसे आप क्रोम को ओपन करोगे, फिर आपको डालना एडोब पॉडकास्ट। जैसे आप एडोब पॉडकास्ट डालोगे, आपको पहली वाली लिंक आएगी, आपको सिंपली पहली वाली लिंक पे क्लिक कर देना। पहली वाली लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ पे पर्पल कलर का बटन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना। लिटरली जैसे आप पर्पल वाले बटन पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे सिंगिंग का ऑप्शन मिलता है, तो आपको यहाँ पे सिंगिंग कर लेना है। तो सिंगिंग करने के बाद फिर से आपको पर्पल वाला बटन आपको दिख जाएगा, तो आपको फिर से उसी पर्पल वाले बटन पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप पर्पल वाले बटन पे क्लिक करते हो तो आपको एक फॉर्म टाइप का आ जाएगा, यहाँ पे आपको अपना फुल नेम डालना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको अपना जानना होगा ईमेल। ईमेल डालने के बाद आई एम ओवर 18 पे आपको टिक करना होगा। एंड उसके बाद आपको अपनी कंट्री को सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे आप अपनी कंट्री को सेलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, आपको सबमिट पे क्लिक करना है, इनचैन स्पीच पे क्लिक करना है। एंड देन फाइनली आप पहुंच चुकी हो अपनी वॉइस एडिटिंग पेज पे। तो बस आपको यहाँ पे अपलोड करनी है अपनी वाली वॉइस को, जिसको आपको एडिट करना है। एंड लिटरली आपकी वॉइस डायरेक्टली एडिट होने लगी है, आपको और कुछ भी नहीं करना। तो ये रही मेरी वॉइस, मैंने इसे इंपोर्ट कर दिया। तो अब आपकी वॉइस की लेंथ के हिसाब से थोड़ा टाइम लेगा, अप्रॉक्स 2 से 3 मिनट में कर देता है। जितनी भी बड़ी हो, मैंने आधे आधे घंटे की भी इससे वॉइस एडिट की है। एंड आप देख सकते हैं हमारी पूरी वॉइस दे दी है हमें करके। अब आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली, एंड आप सुन भी सकते हो कि आपकी वॉइस कैसी एडिट हुई है। तो अभी आप सुनोगे तो आपको मतलब एडिटिंग वॉइस सुनाई देगी। एंड अगर आप ये नीचे टिके ऐसे बंद करके सुनोगे तो विदाउट एडिट भी आप सुन सकते हो। तो यही था, तो इससे आपको डाउनलोड कर लेना है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप इसमें दोबारा से एडिटिंग करने आओगे अपनी वॉइस की, तो जो आपको फॉर्म जैसा मैंने मतलब फिल करवाया था ना, इसमें आपको नेम, ईमेल एंड आई एम ओवर 18 कंट्री डालना था, वो आपको दोबारा मतलब बार बार आता है। लेकिन भाई देखो, मैंने जो वॉइस एडिटिंग सिखाई, तो ये भी मैं बताऊंगा कि बार बार ना भरना पड़े इसके लिए आपको क्या करना है। तो उसके लिए भी हम चलते हैं सबसे पहले अपने मोबाइल स्क्रीन पर। उसके लिए बहुत सिंपल स्टेप है, आपको इसी वाले पेज पर आपको क्रोम की 3 लाइन्स पर क्लिक करना है। क्रोम की 3 लाइन्स पर क्लिक करने के बाद ऐड टू होम स्क्रीन का ये ऑप्शन है, आपको उस पर क्लिक कर देना है। एंड आप इसका कोई भी नाम दे सकते हो, वॉइस एडिटिंग जो भी आप देना चाहो। तो मेरे में पहले से ऐड है, इसलिए मैं नाम नहीं दे रहा, मैंने ऐसे ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। एंड आप देख सकते हैं फाइनली ऐड हो गया। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं डायरेक्टली उसी पेज पे पहुँच जाऊँगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट अपने ऑडियो को ड्रॉप करने का ऑप्शन आता है, एंड वहाँ से डायरेक्टली हमारी एडिट हो जाती है वॉइस। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार मैंने क्लिक किया है, यहाँ पे हम बिल्कुल भी कट नहीं किया है। आप देख सकते हैं फाइनली हम पहुँच गए हैं। लेकिन भाई इतना ही नहीं, हमने वॉइस एडिट करना तो सीख लिया, लेकिन अब इसे यूज़ भी तो करना आना चाहिए। लेकिन अगर आप इस वाली वॉइस को अपने काइन मास्टर में इंपोर्ट करते हो तो आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। लिटरली आप देख सकते हैं, आप जैसे इसे ऐड करोगे तो आपको कुछ ऐसा एरर आएगा। लेकिन भाई देखो, अब आप कहोगे कि तुमने एडिट करना सिखाया तो इसका हम यूज़ ही नहीं कर सकते, तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जब मैंने एडिट करना सिखाया है तो यूज़ करना भी मैं ही सिखाऊंगा, वो भी इसी वीडियो में, तो बने रहो लास्ट तक। तो देखो, इसे भाई यूज़ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी जिसका नाम है ऑडियो MP3 एडिटर। तो आपको प्ले स्टोर पर ईजिली अवेलेबल मिल जाएगा, वहाँ से आगे इसे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको ऑडियो कन्वर्टर पर क्लिक करना है, एंड तो आपकी सारी ऑडियो आ जाएंगे। एंड जो हम ऑडियो वहाँ से डाउनलोड करते हैं एडिट होके, वो हमारी WAV वेव में डाउनलोड होती है। एंड काइन मास्टर MP3 या MP4 ही ऑडियो सपोर्ट करता है। तो जो भी आपकी वेव हो, जैसे यहाँ MP3 लिखा, आपका वेव लिखा होगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है, ऐसी सेटिंग कर लेनी है। एंड उसके बाद इसे ओके कर देना है, एंड आपको एक्सपोर्ट हो जाएगी। जैसे आपकी ऑडियो एक्सपोर्ट होती है, फिर जो आपको ऑडियो मिलेगा आप उसे इजीली काइन मास्टर में यूज़ कर सकते हो। एंड इस वाले ऐप में एक्सपोर्टिंग में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, एंड ये फ्री एप्लीकेशन भी है आपका प्ले स्टोर पर। तो आप इसे ईजिली यूज़ करके अपनी बहुत OP वॉइस को अपनी वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हो, एंड जो कि बहुत अच्छी बात है। तो बस यही था इस वाली वीडियो में। तो अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब भी कर लो।